हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं एंड सभी सेफ हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है गाइज, वो चल रहा है ऊतक वाला चैप्टर, यानी कि टिश्यू वाला। अब यहीं पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मैम इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, पादप ऊतक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्लांट टिश्यू आज हम लोग पढ़ेंगे। एंड सबसे जरूरी चीज, एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। और आज की पूरी क्लास में हम लोग पूरे के पूरे जो प्लांट टिश्यू है, यानी कि पूरे पादप ऊतक को हम लोग कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो एक बार फटाफट से आपको क्या करना है, जो क्लास है उसको शेयर कर देना है सभी अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो बच्चे क्लास को देखना चाहते हैं वो क्लास को देख पाएं एंड अपने नोट्स बना पाएं एंड अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएं। ठीक है, चलिए, तो चैप्टर आपका चल रहा है ऊतक, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पादप ऊतक को, यानी कि प्लांट टिश्यू को। चलिए एक बार रिवाइज करें, आ जाओ। तो मैंने आपके जो इससे पहले, यानी कि लेक्चर नंबर 1, यानी कि जो लास्ट क्लास हुई थी, उसमें बेटा मैंने आपको बताया था ऊतक क्या होते हैं, है ना, क्या होते हैं ऊतक। तो ऊतक होते हैं क्या, एक समान कोशिकाओं के समूह को। ठीक है, किसको, एक समान कोशिकाओं के समूह को क्या बोलते हैं बेटा, ऊतक कहते हैं, है ना। यानी कि कौन से वाले बेटा, कौन से वाले, कि भाई जिनकी अगर हम बात करें, संरचना हो गई इनकी उत्पत्ति, यानी कि बेटा इनकी संरचना, उत्पत्ति और कार्य, ठीक है। तो जिन कोशिकाओं की उत्पत्ति, संरचना और कार्य एक जैसे होते हैं, तो वो क्या होंगे भाई, एक समान कोशिका। तो एक समान कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसको हम ऊतक कह देते हैं। अब हमें पता है कि ऊतक जो होते हैं वो पादप में भी मिलते हैं और जंतु में भी मिलते हैं। तो वहीं पे जो पादप में मिलते हैं वो कौन से हो जाते हैं, आपके पादप ऊतक हो जाते हैं, और जो जंतु में मिलते हैं वो कौन से हो जाते हैं, वो आपके जंतु ऊतक हो जाते हैं। तो ऊतक किसमें मिल रहे थे, पादप में भी मिल रहे थे और जंतु में भी, यानी कि पादप ऊतक और जंतु ऊतक। ठीक है, चलिए अब यहीं पे आज हम इसको पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यू को। ओके, चलो, तो भाई पादप ऊतक यानी कि पौधों में पाए जाने वाले ऊतक, किसमें, पौधों में पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं बेटा, पादप ऊतक कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जो पौधों में पाए जाते हैं, क्लियर। अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि बेटा कि जो पादप ऊतक होते हैं वो आपके, इनके और भी प्रकार होते हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि भाई जो ऊतक थे वो जंतु में भी पाए जा रहे हैं, वो आपके पादप में भी पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि दो प्रकार तो थे, लेकिन पादप ऊतक के अपने और भी प्रकार हैं। तो वहीं पे एक चार्ट आपको दिखाऊंगी, ठीक है, पादप ऊतक का। तो फटाफट से एक बार ना इस चार्ट को बनाना है यार, एक बार फटाफट से इस चार्ट को बहुत ध्यान से आपको देखना है, तेजी के साथ, जल्दी से बहुत ध्यान से देखिए इसको। जल्दी ध्यान से देखा बेटा, सारे टाइप्स को बहुत ध्यान से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें भागने की, जल्दी से बहुत ध्यान से। देखा बेटा, चलिए एक बार देखें, देखें एक बार, आ जाइए। ये आपका पादप ऊतक है, है ना। क्या देख रहे हो आप यहां पे, इसको दो तरीके से बांटा गया है,
फिर उसी के बाद में यहीं पे इसके तीन और प्रकार बताए गए हैं, फिर यहाँ पे इसको और अलग तरीके से बांटा गया है और इनको आगे और तरीके से बांटा गया है। इस चार्ट को ऐसे ही बनाना, फटाफट से बना लो एक बार, पहले जल्दी से बनाओ इसको ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, फिर हम इसको एक साथ समझेंगे। जल्दी से जल्दी, चलो हो गया ना, अब समझो, अब समझना है। अभी आपने नोट डाउन किया था, अब समझना है इसको। प्लांट टिश्यू बहुत ध्यान समझना बेटा, वरना कंफ्यूज कर देगा, बहुत ध्यान समझना है, ठीक है। यहां पर ये आपका दो तरीके से दिया हुआ है, क्या कि भाई ये आपका पादप ऊतक है ना, यहीं पे ये दो प्रकार का होता है, नंबर वन आपका विभज्योतकी ऊतक एंड नंबर दो स्थायी ऊतक। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, दो प्रकार के। वो बोलेंगे कौन कौन से, हम बोलेंगे विभज्योतकी ऊतक और स्थायी ऊतक, बाकी आगे इनके प्रकार आ जाते हैं, ठीक है। विभज्योतकी ऊतक के और तीन प्रकार होते हैं, कौन कौन से, नंबर वन शीशस, अब जैसे मैं नंबर डाल रही हूं आपको ऐसे डालना है, ठीक है। सेकेंड अंतर्वेशी, इसको अंतर्विष्ट भी कहते हैं, लिख लीजिए इसको, ठीक है। एंड नंबर थर्ड आपका पार्श्व, ठीक है। अब पादप ऊतक दो प्रकार के थे, नंबर वन विभज्योतकी एंड नंबर दो स्थायी। विभज्योतकी ऊतक जो उसके तीन प्रकार थे, अब सेकंड वाला जो है बेटा, इसके आगे भी तीन प्रकार दिए हुए हैं, कौन कौन से, आपको यहां पे दिया हुआ है सरल स्थायी ऊतक, ठीक है। नंबर दो है आपका बेटा जटिल ऊतक या जटिल स्थायी ऊतक आप कह सकते हो, एंड नंबर तीन है बेटा यहां पे आपका कौन सा वाला, विशिष्ट ऊतक, ठीक है। यहां पे सरल ऊतक को और तरीके से बांटा गया है, आपका मृदु ऊतक में, आपका स्थूल कोण में और आपका द्रोण ऊतक में, क्लियर है। और जटिल ऊतक को भी यहां पे बांटा गया है, किस किस में, आपका जाइलम एंड आपका फ्लोएम। तो इनको आपको याद रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए बेटा कि कौन सा किसके प्रकार का है, अगर आपसे पूछे कि जाइलम और फ्लोएम किसके प्रकार हैं, तो आपको पता होना चाहिए, क्लियर है, क्लियर। साथ ही साथ अगर आपसे कोई पूछे कि मृदु ऊतक किसका प्रकार है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, क्लियर है बेटा, बहुत अच्छे से। चलो अब हमने यहां तो जान लिया, अब अगर आपको खुद से चार्ट बनाना है तो आप वो भी बना सकते हो, ठीक, बिल्कुल बेटा। चलो तो आगे आ जाओ, फिर नंबर वन से स्टार्ट कर दें, यहां पे आ जाइए। नंबर वन बेटा क्या था आपका, हमने यहां पे देखा कि विभज्योतकी और स्थायी दो तरीके से था। क्या आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया बेटा कि मैम पादप ऊतक दो प्रकार से हैं, अगर प्लांट टिश्यू दो टाइप से क्यों बांटे गए हैं, कुछ डिफरेंस है क्या मैम इनमें या नहीं है? तो बेटा अगर बात आए इसकी डिफरेंस की, तो बिल्कुल यस, यहां पर डिफरेंस होता है। तो यहीं पे इसके प्रकार तो हम पढ़ेंगे कि भाई पादप ऊतक जो है जैसे दो प्रकार से है, विभज्योतकी एंड स्थायी, विभज्योतकी के तीन प्रकार ये रे भाई यहाँ पे, फिर आपके स्थायी के भाई क्या हो जाते हैं, आपके तीन प्रकार हैं, सरल ऊतक के भी तीन, जटिल के दो हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम ये तो जान लें कि आखिर पादप ऊतक अगर दो प्रकार के हैं, विभज्योतकी एंड है ना स्थायी, तो आखिर इनमें डिफरेंस क्या है। तो विभज्योतकी आ जाता है और आपका स्थायी ऊतक, ठीक है, बिल्कुल क्लियर, यस और नो। चलो आपके सामने इसको करने से पहले एक क्वेश्चन होगा, ध्यान से देखना है इन कोशिकाओं को, ध्यान से देखो, बिल्कुल इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। अब दोनों को ध्यान से देखो बिल्कुल, एंड मुझे ये बताओ बेटा यहां पर आपको क्या लग रहा है कि क्या चीज हुई है, बताओ दोनों को बेटा, आपको बहुत ध्यान से देखना है एंड बताइए यहां पर क्या चीज आपको बेटा लग रही है, जल्दी से तेजी के साथ बताइए।
हाँ जी बेटा, क्या लग रहा है? देखो ध्यान से, एक चीज ध्यान से देखो, जब आप इसको देख रहे होंगे तो यहां पर आपको ये चीज दिख रही है, ये कोशिका है, ये आपकी कोशिका है, ये आपकी कोशिका है। यहां पे जब हमने देखा इन दोनों को, मैंने आपसे क्यों बोला कि आप इनको बहुत ध्यान से देखो बेटा, मैंने इसलिए आपसे बोला क्योंकि आप देख रहे हो यहां पे दोनों में क्या फर्क है। ये नहीं देखना कि शेप में फर्क है मैम ना, आपको देखना है कि मैम यहां पर ये बीच में ये यहां पे जगह है, लेकिन यहां पे कहीं भी जगह नहीं है, यानी कि उसकी कोशिकाएं तो अगर हम देखें बीच में कहीं कहीं तो जगह है, लेकिन अगर हम इसको देखें तो भाई इसमें कहीं कहीं पर स्पेस नहीं है, कहीं भी स्पेस नहीं है। और कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश होता है उसको बेटा क्या बोलते हैं हम लोग, बताओ क्या बोलते हैं? कोशिकाओं के बीच में जो अवकाश पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अंतःकोशिकीय अवकाश। ठीक है, तो नंबर वन अगर मैं पॉइंट की बेटा बात कर रही हूं आपसे, तो विभिज्योतकी जो होती है, अब बात आती है किसमें नहीं होता, तो ये जो होती है इनमें अंतःकोशिकीय अवकाश, ठीक है, क्या आपका अंतःकोशिकीय अवकाश नहीं पाया जाता। ठीक, जबकि बेटा यहां पे क्या होता है आपका अंतःकोशिकीय अवकाश या स्थान आप कह सकते हो, वो बिल्कुल यहां पे पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? आप बेटा अवकाश वर्ड भी यहां पे यूज कर सकते हैं एंड आप स्थान वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं। अंतःकोशिकीय अवकाश पाया जाता है। क्लियर है बेटा? जल्दी से क्लियर है तो फटाफट से नोट डाउन करो कि आखिर अंतःकोशिकीय अवकाश क्या होता है। जल्दी से पहले इसको नोट डाउन करो, है ना, एंड फिर दूसरे वाले को। जल्दी हो गया पहला पॉइंट। चलिए अब बेटा ऊतक किससे बने होते हैं? कोशिका से। तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा कि केंद्रक तो मिलना ही मिलना है बेटा कोशिका में, फिर है ना। तो विभिज्योतकी ऊतक जो होते हैं इनका केंद्रक कैसा होता है बेटा? इनका केंद्रक बड़ा होता है बेटा। पॉइंट को साथ साथ नोट डाउन करते हुए चलना है, ठीक है। जबकि अगर मैं आपसे बात कर रही हूं स्थायी ऊतक में, तो इनका केंद्रक कैसा होता है बेटा? इनका केंद्रक छोटा होता है। ओके, न्यूक्लियस बेटा कहां पे पाया जाता है? सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ना, आगे आ जाओ। अच्छा, केंद्रक के अलावा एक चीज और होती है, क्या होता है? साथ साथ पॉइंट नोट डाउन करेंगे, मैं आपको प्रॉपर टाइम दे रही हूं कि आप क्लास में टॉपिक को समझ भी लें एंड क्लास में टॉपिक समझने के साथ साथ आप पॉइंट्स को भी लिखते चलें, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना बेटा। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको मैं समझा रही हूं, आप इतना टाइम भी दे रही हूं कि आप लिख सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं है। चलो, अब कोशिका के अंदर केंद्रक तो होता है लेकिन कोशिका द्रव्य भी तो होता है बेटा। तो कोशिका द्रव्य है ना, जो जेली जैसा पदार्थ होता है, किसमें? कोशिका में। तो कोशिका द्रव्य कैसा होता है बेटा? गाढ़ा होता है, है ना। कैसा होता है? गाढ़ा होता है। जबकि आपका अगर मैं स्थायी ऊतक की बात करूं तो कोशिका द्रव्य तो यहां भी होगा, सिंपल सी बात है, होगा, है ना बेटा। लेकिन वो कैसा होता है? वो आपका कम गाढ़ा होता है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? कैसा होता है आपका? वो कम गाढ़ा होता है। फटाफट से पॉइंट को नोट डाउन करो तेजी के साथ, जल्दी। हो गया बेटा? चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर आओ। फोर्थ पॉइंट क्या कहते हैं बेटा?
मैंने आपको एक चीज और बताई थी, क्या बताई थी कि बेटा जितने भी पौधे होते हैं ना उनमें मृत और जीवित दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने कैसी कोशिका की खोज की थी, उन्होंने जो खोज की थी बेटा वो की थी मृत कोशिका की। एंटोनी वॉन लेवेनहॉक ने एक जीवित कोशिका की पता लगाया था, है ना, तब पता लगा था कि कोशिका तो जीवित और मृत दोनों होती हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं पौधों की, तो बेटा पौधों में तो मृत और जीवित दोनों प्रकार की होती है, जिसमें से विभज्योतकी जो ऊतक होते हैं इसकी जो कोशिका होती है कैसी होती है, जीवित कोशिका होती है, ठीक है, कैसी होती है, जीवित कोशिका होती है। जबकि अगर मैं आपसे बात करूं किसकी, आपके स्थायी ऊतक की, तो बेटा यहाँ पे क्या नहीं होता है आपका, यहाँ पे सिर्फ जीवित ही नहीं बल्कि मृत और जीवित दोनों प्रकार की पाई जाती हैं, ठीक है, मृत और जीवित किसकी बेटा, दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ओके बेटा। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, फिफ्थ आपका जो फिफ्थ वाला पॉइंट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन किया है इसको फटाफट से नोट डाउन। चलिए अब यहीं पे हम बात कर रहे हैं बेटा विभज्योतकी, इनकी जो खासियत है, अब वो पॉइंट आने वाला है एंड यहां से क्वेश्चन भी बनता है बेटा। विभज्योतकी ऊतक की खासियत ये होती है कि इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो लगातार विभाजन करती रहती हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, विभाजन करते हैं, ओके, क्या करते हैं बेटा, विभाजन करते हैं, यानी कि विभज्योतकी ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, क्लियर है, वो क्या करती है बेटा, विभाजन करती है यानी कि डिवीजन करती है। डिवीजन क्या होता है कि भाई जैसे कि एक ये है आपके पास सेल, अभी विभाजित होगी 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 होगी, है ना, और एक से ज्यादा कोशिकाओं को बनाई, विभाजन कर रही है यानी कि बढ़ रही है, क्लियर है बेटा। तो ये तो विभाजन करती है, जबकि स्थायी ऊतक विभाजन नहीं करते, विभज्योतकी ऊतक ही विभाजन करेगी करेगी करेगी, और एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, क्या होगा बेटा बताओ, और एक टाइम के बाद यही स्थायी ऊतक को बना देंगे, ठीक है। तो विभज्योतकी ऊतक की खासियत क्या है कि बेटा ये विभाजन करते हैं जबकि स्थायी ऊतक विभाजन नहीं करते, इसको कौन बनाता है, विभज्योतकी ऊतक ही बनाते हैं। तो विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं विभाजन करके किसको बना देती है, स्थायी ऊतक को, यानी कि ये क्या नहीं करती है बेटा, विभाजन नहीं करती, ठीक है, कौन करता है, विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं विभाजन करती हैं जबकि स्थायी ऊतक की कोशिकाएं, ठीक है, विभाजन नहीं करती, क्लियर, यही विभाजन कर करके हो होकर एक टाइम बाद स्थायी ऊतक बन जाता है, ओके। चलो आगे आ जाओ, कितना पॉइंट हो गया, सिक्स पर आ जाओ। सिक्स पॉइंट बेटा ये कैसे होते हैं, वयस्क होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं बेटा, वयस्क होते हैं, अभी बताऊंगी ये पॉइंट क्या है। एंड अगर मैं यहां पे बात करूं स्थायी की, तो ये क्या नहीं होते हैं, ये वयस्क नहीं होते, वयस्क का मतलब बेटा मैच्योर, है ना, पूरे तरीके से विकसित, तो ये तो वयस्क होते हैं लेकिन वो वयस्क नहीं होते। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, आप सोचो क्या बात, कि एक बूढ़ा इंसान है जो कि बहुत बूढ़ा हो गया, एक बच्चा है ना, तो कौन ज्यादा तेजी से काम करेगा, भाई सिंपल सी बात है, वो जो बच्चा है वो बहुत तेजी के साथ काम करेगा, है ना। तो अब ये तो बूढ़ा है वयस्क, तो ये कैसे करेगा बेटा, काम कम करेगा, यानी कि इसके काम करने की जो क्षमता है वो बहुत धीरे होगी, क्रिया क्लियर बेटा यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे इसकी क्रियाशीलता कैसी हो गई, कम हो गई, ठीक है, जबकि वो वयस्क नहीं है तो उसकी क्रियाशीलता बेटा कैसी होती है, अधिक होती है, क्लियर बेटा, बहुत अच्छे से क्लियर। चलो
अब आगे बढ़े, आ जाइए। तो हमने जो स्टार्ट किया था बेटा पादप ऊतक को पढ़ना, हमें यह पता है कि पादप ऊतक क्या होते हैं, ठीक है। और यहां पे हमें यह भी पता है कि पौधों में तो मृत और जीवित दोनों प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। पादप ऊतक के प्रकार पे बात जब हम आए, हमने देखा भाई ये दो प्रकार से हैं, कौन कौन सा, विभज्योतकी एंड स्थाई, ठीक है। अब यहीं पे अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ विभज्योतकी और स्थाई की, तो उनके भी तो प्रकार हैं। तो विभज्योतकी ऊतक के तीन प्रकार है ना, अब हम इनको पढ़ना स्टार्ट करेंगे, इन सभी प्रकारों को। हमने यहाँ पे इससे पहले जाना क्या कि पादप ऊतक आखिर दो प्रकार के हैं, विभज्योतकी एंड स्थाई, तो दोनों में अंतर क्या है। तो यहीं पे हमने विभज्योतकी और स्थाई ऊतक में अंतर को जाना, क्लियर है। अब आगे आ जाइए, अब हेडिंग डालो नंबर वन, ठीक है। नंबर वन बेटा आप क्या डालेंगे, ठीक है, नंबर वन क्या डालेंगे आप, विभज्योतकी ऊतक। चलिए नंबर वन डालिए विभज्योतकी ऊतक, चलो ठीक। तो बेटा सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि ये क्या करते हैं, बिल्कुल विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं क्या करती हैं, विभाजन करती हैं, विभाजन करते हैं, ठीक। अब हमने देखा ये तीन तरीके से है, कौन कौन सा, नंबर वन क्या था बेटा, नंबर वन आ जाता है आपका शीर्षस्थ, यानी कि शीर्षस्थ विभज्योतकी ऊतक, है ना। सेकेंड नंबर पर बेटा आपका आ जाता है पार्श्व, ठीक है, आप अंतर्विश पहले लिख लो चाहे कोई सा भी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नाइन थर्ड आ जाता है अंतर्वेशी, या इसको हम अंतर्विष्ट भी कह देते हैं, ठीक। तो ये तीन तरीके से है। अब शीर्षस्थ नाम में ही बेटा उसके क्लियर है क्या, ध्यान से देखिए, एक इस तरीके से बेटा तना होता है ना। अब मैंने बोला बेटा इधर क्या है, इसकी जड़ें हो जाती है, अगर मैं इसके सिरे की बात करूं, ठीक है, और जो ये जड़ें नीचे जा रही हैं यहाँ पे, तो सिरों पर मिलता है किसके, तो बेटा शीर्षस्थ मिलता है जड़ और तने के शीर्ष पर, ठीक है। और किसमें, किसमें वृद्धि करेगा बेटा, लंबाई में, क्योंकि शीर्षस्थ विभज्योतक है यानी कि सिरों पर मिलेगा। बात है किसके, क्योंकि शीर्ष का मतलब ही क्या होता है, सिरे, लेकिन किसके सिरे पर मिल रहा है ये जो आपका तना है और जो ये जड़ है, इनके सिरों पर क्या करेंगे, विभाजित हो करेंगे, विभाजित करेंगे, विभाजन होगा तो बेटा किसकी संख्या बढ़ी, वहां पे कोशिकाओं की संख्या बढ़ी, और कोशिकाओं की संख्या बढ़ने पर क्या हो जाता है, क्या होता है बताओ, क्या होता है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ने पर बेटा वहां वृद्धि तो होगी ना, है ना। तो ये शीर्षस्थ किसमें करता है, लंबाई में वृद्धि करता है, ठीक है, यानी कि ये किसमें, ये आपका लंबाई में वृद्धि करेगा, क्लियर बच्चा। क्लियर, चलो नेक्स्ट आया पार्श्व, ये कहां पाया जाता है, तो अगर बेटा इतना है तो इस जगह पर पाया जाएगा, इन पर, और इसका काम क्या होता है बेटा, ये आपका चौड़ाई में वृद्धि करता है, ठीक है। और अंतर्विष्ट जो होता है ये पर्व संधि के आधार पर, यानी कि ये आपकी लाइंस है, ठीक है, इस जगह पर ये क्या होता है, पाया जाता है, और ये भी किसमें आपका, किसमें, चौड़ाई में ही हेल्प करता है, ठीक है। तो ये तो विभज्योतकी है। सेकेंड नंबर अगर हम बात कर रहे हैं बेटा किस वाले पार्ट की, आपके स्थायी ऊतक की, स्थायी ऊतक क्या होता है कि भाई विभज्योतकी की कोशिकाएं, है ना, यानी कि विभज्योतकी ऊतक की ठीक है, विभज्योतकी ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होकर, या आप लिख सकते हैं विभाजन करके, विभाजित होकर किसको बनाती है बेटा, स्थायी ऊतक को, ठीक है, विभाजित होकर
स्थायी ऊतक को बनाती है। ठीक, क्लियर। और स्थायी ऊतक के अभी हमने देखा तीन प्रकार थे बेटा, कौन कौन से थे? नंबर वन आपका सरल स्थायी ऊतक, बहुत ध्यान से देखेंगे क्या था नंबर वन सरल स्थायी ऊतक। नंबर सेकंड है आपका यहां पर जटिल स्थायी ऊतक, एंड नंबर थर्ड है बेटा आपका विशिष्ट ऊतक। ठीक है, क्लियर इतने पॉइंट क्लियर है। चलो अब सबसे पहले नंबर वन को पढ़ेंगे हम, किसको बेटा? सरल स्थायी वाले को। सरल स्थायी ऊतक, ठीक, ये एक ही तरीके की कोशिकाओं से बनते हैं, इसको सरल कह देते हैं, और जटिल में अलग अलग तरीके से। मेन पॉइंट आता है इसके प्रकार। तो बेटा ये कैसा होता है? नंबर वन मृदु ऊतक, ठीक है, इसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। सेकंड आता है बेटा स्थूल कोण, ठीक है, यानी कि कोलेनकाइमा। एंड नंबर थर्ड आ जाता है बेटा आपका द्रण ऊतक, ठीक, इसको बोल देते हैं स्क्लेरेनकाइमा। मृदु ऊतक जो होता है बेटा, अगर मैं यहां पे आपसे बात कर रही हूं मृदु ऊतक वाले की, तो याद रखिएगा मृदु ऊतक जो होता है इसमें भी दो, आपके पास यहाँ पे अगर मैं बात करूं दो चीजों को आप पढ़ते हैं, एक आप पढ़ते हैं वायु ऊतक, है ना, यानी कि वो होता है हमारा कौन सा? एरेन्काइमा, लिख लो इसको, ठीक है, और एक होता है बेटा आपका क्लोरेन्काइमा। ओके, क्लियर है। मृदु ऊतक जो होते हैं बेटा, इनका काम होता है, जो पौधा होता है भोजन अपना खुद से बनाता है, आपको पता है, तो वो मृदु ऊतक का काम क्या है कि भोजन को संचय करना, यानी कि भोजन को इकट्ठा करना। और जिन मृदु ऊतक में वायु भरी होती है उनको हम एरेन्काइमा कह देते हैं, यानी कि वायु ऊतक। और जिन मृदु ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है उनको हम क्लोरेन्काइमा कह देते हैं, यानी कि हरित ऊतक। ठीक है, स्थूल कोण को हम कोलेन बोलते हैं, याद रखना कोलेन में और क्लोरेन में कंफ्यूज नहीं होना है। स्थूल कोण कोलेनकाइमा होता है, जबकि आपका क्लोरेनकाइमा क्या होता है? हरित ऊतक हो जाता है। क्लियर है, क्लियर। और द्रण ऊतक आपका क्या हो जाता है? स्केलेनकाइमा। स्थूल कोण क्या करता है बेटा? ये आपका यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है, क्या करता है बेटा? ये आपका यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, किसको? पौधे को। आपने देखा एक पौधा है, आंधी आती है भाई, जब तक मतलब आप देखो कि एक पौधा, हवा बहुत तेज चल रही है, बहुत तेज चल रही है, कितनी आंधी आती है, है ना, कितनी, कुछ पेड़ नहीं गिरते लेकिन कुछ गिर जाते हैं। जो नहीं गिरते हैं क्या होती है उनमें? यांत्रिक सहायता, यानी कि ज्यादा, यानी कि वो जो पेड़ टिका हुआ है, क्यों, किसकी वजह से टिका हुआ है? कि भाई यांत्रिक सहायता उसको मिल रही है। तो जो पेड़ गिर जाते हैं, यानी कि वो खत्म हो जाते हैं, उनकी यांत्रिक सहायता उनको इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती, मिल रही होती है लेकिन इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती। तो जो भाई आपने देखा है वही यांत्रिक सहायता, जैसे कि एक आंधी आई और पेड़ फिर भी रुका हुआ है, क्यों रुका हुआ है? किसने पकड़ा तो नहीं है, है ना, लेकिन उसको क्या मिल रही है? यांत्रिक सहायता मिल रही है। दृढ़ ऊतक ऊतक क्या करते हैं बेटा? दृढ़ता प्रदान करते हैं, किसको? भाई जो हमारा पौधा होता है, कठोरता, दृढ़। आपको उसका नाम क्यों रखा है बेटा? दृढ़ता क्यों रखा है? क्योंकि दृढ़ता प्रदान करते हैं, और दृढ़ता का मतलब क्या होता है? कठोरता प्रदान करना, ठीक है, क्लियर है बेटा, ओके। चलो तो यहीं पर अगर मैं आपसे बात करूं, ये चीज क्लियर। तो सरल स्थायी ऊतक के तीन प्रकार थे बेटा, है ना, मृदु ऊतक, स्थूल कोण और दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक जो होते हैं ये भोजन को संचय करने का काम करते हैं, किसमें? पौधे में, क्लियर, क्लियर है।
और साथ ही साथ जिन मृदूतक में वायु भरी होती है उनको हम एरेनकाइमा कह देते हैं, और जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है जिस मृदूतक में उसको हम क्लोरेनकाइमा, ठीक है। फूल क्या होते हैं, इनको हम कॉलेनकाइमा बोल देते हैं। ये पौधे में यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं जबकि दृढ़ोतक दृढ़ता प्रदान करते हैं, उसकी कोशिकाएं मृत होती हैं। नारियल का जो रेशा है वो इसी का एग्जाम्पल है, ठीक। अब नेक्स्ट बेटा आपका सेकेंड नंबर पर आ जाता है जटिल स्थायी ऊतक। ठीक है, क्या आ जाता है बेटा, जटिल स्थायी ऊतक। ये अलग अलग कोशिकाओं से मिलकर बना होता है इसलिए थोड़ा जटिल होता है, इसलिए इसको जटिल स्थायी ऊतक कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है बेटा, नंबर वन जाइलम एंड नंबर टू फ्लोएम। ओके, ठीक है, नंबर वन जाइलम एंड नंबर टू फ्लोएम। अगर मैं आपसे यहां पे बात कर रही हूं नंबर वन जाइलम की, ठीक है, जाइलम क्या करता है बेटा, जैसे आपने पौधे को पानी दिया, एक आपके पास पौधा है, ठीक है। अब ये पौधा है, आपने इसको क्या दिया बेटा, पानी। अब पानी आपने दिया वो कहां गया, जमीन में नीचे गया, लेकिन पौधे के ऊपर वाले भागों को भी तो पानी चाहिए, तो बेटा वो कौन देता है, याद रखना, कौन लेके जाएगा। आपने तो पानी दे दिया, वो जमीन में नीचे लगे, लेकिन ऊपर कौन लेके जा रहा है, उन भागों को भी तो पानी चाहिए, क्लियर है। तो यहां पे यानी कि इसको याद रखना, ज से जल और ज से जाइलम, यानी कि जाइलम क्या करता है बेटा, जल का संवहन करता है, ठीक है। यानी कि जो पौधा होता है, जब आप पौधे को पानी देते हो, पानी उसकी जड़ में चला जाता है, तो पौधे के एक एक भाग तक उस जल को पहुंचाने का कार्य किसका होता है, वो जाइलम का होता है। और जाइलम जो होता है, याद रखना बेटा, एक दिशीय होता है, ठीक है। एक दिशीय का मतलब क्या होता है, एक ही दिशा में जल को लेकर जाएगा। यानी कि जब आपने पानी दिया, नीचे तो बेटा पानी ऑलरेडी है जमीन में, है ना, अब पौधे के ऊपरी भागों तक लेकर जाएगा, कौन, जाइलम। और कहां लेके जा रहा है, ऊपर की तरफ, नीचे थोड़ी लेके जा रहा है जमीन में जहां जड़ है, ऊपरी दिशा में लेकर जा रहा है, तो इसीलिए एक ही दिशा में लेकर जा रहा है, यानी कि एक दिशीय हो गया। और याद रखना, जो पानी ऊपर जाता है वो लौट कर नीचे नहीं आता। और जाइलम बेटा जल का तो वहन करेगा ही, साथ ही साथ जो जमीन में यानी कि मिट्टी में जो खनिज लवण होते हैं उनका भी वहन करता है, ठीक है। आगे आ जाइए, नेक्स्ट, जाइलम जो होता है बेटा चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो होता कि लेकिन चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, कौन कौन सी, तो याद रखिएगा बेटा वो होती हैं कौन कौन सी, वाहिनिकाएं, नेक्स्ट आपका वाहिकाएं, ठीक, आपका जाइलम मृदूतक, इसको हम जाइलम पेरेनकाइमा भी कह देते हैं, ठीक है। और इसको हम लास्ट में जाइलम तंतु, या आप इसको जाइलम रेशे भी कह देते हैं, ठीक है। तो जाइलम जो होता है जल का संवहन करता है, साथ ही साथ जो मिट्टी में खनिज लवण होते हैं उनको भी संवहन कर देता है। जाइलम एक दिशीय होता है और ये चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, जाइलम मृदूतक, या आप कह सकते हैं जाइलम पेरेनकाइमा और जाइलम तंतु, क्लियर है। अब सेकेंड नंबर पे बेटा आता है फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम यानी कि आपका ये भी होता है एक संवहन ऊतक, और याद रखना पौधे में सिर्फ दो प्रकार के संवहन ऊतक पाए जाते हैं, एक जाइलम होता है, एक फ्लोएम होता है। इसको याद रखने की ट्रिक ये है, एफ से फ्लोएम और फ से क्या होता है, फूड यानी कि भोजन। यानी कि बेटा ये क्या करता है, ये करता है भोजन का संवहन, ठीक है। लेकिन याद रखना फ्लोएम की स्पेलिंग एफ से स्टार्ट नहीं होती, वो पीएच से स्टार्ट होती है। अब बेटा यहां पर ये एक पौधा है, ठीक है। अब खाना कहां बन रहा है बेटा, पत्ती में बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, तो ये क्या करता है, भोजन का संवहन, लेकिन किस रूप में, क्लियर। चलिए, तो फ्लोएम बेटा भोजन का संवहन करता है जो पत्ती में बना है, और सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज क्या है, शर्करा, यानी कि शर्करा के रूप में क्या करता है, फ्लोएम भोजन का संवहन करता है, ठीक है। भोजन का संवहन तो करा, लेकिन किस रूप में, सुक्रोज के रूप में, और सुक्रोज एक प्रकार की शर्करा। अब ये कैसा होता है, क्या ये एक दिशीय होता है, द्विदिशीय, तो बेटा याद रखना
कि ये जो होता है, ये होता है आपका द्विदिशीय, ठीक है। अब यानी कि जो पत्ती में जो खाना बनाए बेटा, वो पौधे के ऊपरी भागों में भी जाएगा और पौधे के निचले वाले भागों में भी, है ना। तो पौधे के ऊपरी भागों में भी जा रहा है और पौधों के निचले वाले भागों में भी जा रहा है, यानी कि जो फ्लोएम ने जो भाई भोजन का स्थानांतरण किया वो किस रूप में, सुक्रोज के रूप में किया, और कैसा है, द्विदिशीय, यानी कि दोनों दिशाओं में किया, ठीक है। अब ये भी चार प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नंबर वन बेटा चालनी नलिकाएं, ठीक। फिर आ जाता है आपका सहचर या साथी कोशिकाएं। बेटा मैं लास्ट में एक बार सारी स्लाइड दिखा दूंगी, और इतना तेज हम लिख नहीं रहे कि आप ना लिख पाओ, तो आराम से आप लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट फ्लोएम मृदूतक, या इसको हम फ्लोएम पेरेन्काइमा भी कह सकते हैं। एंड लास्ट आ जाता है बेटा, क्या आ जाता है बेटा, नेक्स्ट फ्लोएम तंतु, या इसको हम फ्लोएम रेशे भी कह देते हैं। क्लियर, क्लियर है। तो इन चार प्रकार की कोशिकाओं से कौन मिलकर बना है बेटा, हमारा फ्लोएम बना है, ठीक है। एंड बिल्कुल लास्ट है अब आपका विशिष्ट ऊतक। तो याद रखिएगा बेटा, ये विशिष्ट इस ऊतक इसलिए हैं क्योंकि पौधे के जितने भी बेकार पदार्थ होते हैं, जो पौधों को, जिन पदार्थों को बाहर निकालना होता है, यानी कि जो बेकार पदार्थ उसको उत्सर्जित करने होते हैं, उसमें ये ऊतक मदद करते हैं। बस इतना आपके कोर्स में है, इसके अलावा आपके कोर्स में नहीं है। क्लियर। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे समझ जाए, आपको ये पता लगा पादप ऊतक क्या है, है ना, आपको ये पता लगा उसके प्रकार क्या है। एक बार सारी स्लाइड स्टार्टिंग से देख लीजिए जल्दी से बेटा, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर रहें। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था पादप ऊतक, फिर आपके प्रकारों को जाना, ये चार्ट आपको सबको पता होना चाहिए, एक एक प्रकार, यानी कि भाई इसके कि आखिर विभज्योतक और स्थायी ऊतक में डिफरेंस क्या है, यानी कि क्या अंतर है, साथ ही साथ विभज्योतक ऊतक क्या है, स्थायी ऊतक क्या है, सरल स्थायी ऊतक कितने प्रकार से हैं, क्या क्या उनके कार्य हैं, जटिल क्या हैं, इसके क्या आखिर काम हो जाते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको सारा बहुत अच्छे समझ आया है। मिलते हैं जल्दी आपके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर बच्चा लोग।